नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी गूगल प्ले स्टोर चलाते हैं और दोस्तों अगर आप भी अपने गूगल प्ले स्टोर पे लॉक लगा के गूगल प्ले स्टोर को सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है यहाँ पे पूरा तरीका यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे अपना सिक्योरिटी लॉक लगा सकते हैं, पैटर्न लॉक लगा सकते हैं या फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे आप जो है अपने गूगल प्ले स्टोर को लॉक लगा के सिक्योर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं अपना गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे मैंने ओपन किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे एप्लीकेशन सारे गेम्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे लॉक लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आना है आपके फ़ोन में। और सेटिंग वाले ऑप्शन में जब आप आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा देंगे, पहला ऑप्शन दिखा देगा लॉक स्क्रीन पासवर्ड और दूसरा ऑप्शन दिखा देगा प्राइवेसी पासवर्ड। तो देखिए तो लॉक स्क्रीन पासवर्ड तो क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को लॉक अनलॉक करते हैं, अनलॉक करने के बाद जब ओपन करेंगे तो वो आपका लॉक स्क्रीन पासवर्ड होता है। और दूसरा होता है प्राइवेसी पासवर्ड। तो प्राइवेसी पासवर्ड क्या होता है कि देखिए दोस्तों, जो आपके एप्लीकेशन लॉक होते हैं, ऐप्स जितने भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ये अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, उन सभी पे लॉक लगाने के लिए आप जो है आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होता है। तो यहाँ पे सेटिंग में आपको आना है और यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहला लॉक स्क्रीन पासवर्ड होता है और दूसरा प्राइवेसी पासवर्ड होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्राइवेसी पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्राइवेसी वाले पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। देखिए, आप जब नया नया बनाएंगे तो आपको दो बार डालना पड़ेगा। मैंने अपना पासवर्ड प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, आप मैंने एक बार डाला है, आपको दो बार डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले नीचे आना है आपको। नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा देंगे। पहला ऑप्शन दिखा देगा ऐप लॉक का और दूसरा ऑप्शन दिखा देगा प्राइवेसी सेफ का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन लॉक वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे आ जाएंगे। किसी भी एप्लीकेशन पे आपको लॉक लगा देना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको नीचे नीचे आना है और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आना है आपको और नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक प्ले स्टोर वाला एक ऑप्शन दिखा देगा। इस पर आपको क्लिक करना है और ये बोलेगा गूगल प्ले स्टोर ऐप लॉक, तो इसको आपको अनेबल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब आप अनेबल कर देंगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये सारे एप्लीकेशन आप हटा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये भी मैंने हटा दिया और ये सब मैंने हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं अपना नॉर्मल स्क्रीन में आ जाता हूँ। अब मैं कभी भी अपना गूगल प्ले स्टोर को ओपन करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये हमेशा यहाँ पे जो है पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा। ये बोलेगा एंटर प्राइवेसी पासवर्ड टू ओपन गूगल प्ले स्टोर। तो यहाँ पे मैं अपना जो है प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये प्राइवेसी पासवर्ड डालने के बाद गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से इसको हटा देता हूँ। और इसको हटाने के बाद अब देखिए दोस्तों, मैं जो है अपने होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग्स पे मैं दोबारा से आता हूँ और सेटिंग्स में आने के बाद मैं दोबारा से प्राइवेसी पासवर्ड पे आता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाला। अब प्राइवेसी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे जो है हम नीचे यहाँ पे जो है प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पे मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है मैं अनेबल है ये अनेबल कर देता हूँ। इसके बाद मैं हटा देता हूँ अपना सारे एप्लीकेशन हटाता हूँ। और मैं अब जब भी अपना जो है गूगल प्ले स्टोर ओपन करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, बोलेगा एंटर प्राइवेसी पासवर्ड टू ओपन गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, अगर मैं गलत पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी तो ये ओपन नहीं होगा। देखिए फॉरगेट पासवर्ड वाले लिखा हुआ आ जाता है। तो मैं अब सही पासवर्ड डालता हूँ तो ही ये जो है गूगल प्ले स्टोर मेरा ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के बाद मैं अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर पाऊंगा, एप्लीकेशन देख पाऊंगा, गेम्स देख पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप जो है अपने गूगल प्ले स्टोर पे यहाँ पे जो है पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है, सुझाव है, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक मिलते हैं हर मध्यम मुझे बोलेनाथ।